हवालात में बस फेक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां नकली सोने के सिक्के और आभूषण का लालच देकर ठगने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, और कैसे मोटी रकम लेकर एमबीबीएस की फर्जी डिग्री बांटने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। तुकाराम सिसोदिया नाव, ग्राम खजूरी, बड़वानी जिलों। हमारा फसल हमारी बहुत कमजोर थी, दो तीन साल से कोई फसल बराबर पाकती नहीं। बच्चा ना कभी नहीं पढ़ सकता थे हम, क्योंकि वो पैसे नहीं रहे सेठ सरकार बस का कर्जो ले आए, फिर वहाँ कर्जा नहीं देवाएगा तो फिर हम का ही कर जापा आई हुई, कर्जो भी नहीं कर सकता, नहीं खेती है चुनू पड़ा तो का ले कर्जो ले लियो, कर्जो ले लियो, अब देवाएगा कि नहीं देवाएगा थी। सब कर्जे में लोग फंसी गए थे। कमलनाथ जी जो अभी सरकार में छे, ये बहुत अच्छा आदमी छे कि उन्होंने हमारा कर्जा की घोषणा करी, कर्जो माफ हो जाएगा। पर अब इतना सहारो तो मिली गो, उम्मीद बनी गई कि भाई हमारो कर्जो माफ हो जाएगा। कमलनाथ जी ने हमारो कर्जो माफ कर दियो, बहुत अच्छो करियो भाई, नहीं तो हमारे तो बाल बच्चा ना को पोषण महंगो पड़ी जातो। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि जो उन्होंने वादो करियो थी वो निभाई दियो, हम जैसा गरीब किसान ने उभार दिया। ने हो रहे साकार, अब है कमलनाथ सरकार। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। रायपुर पुलिस ने कैसे शातिर शिक्षा माफिया को हिरासत में लिया है, जो बिना किसी संबद्धता के खुलेआम मेडिकल की बड़ी बड़ी डिग्रियां बांट रहा था, वो भी मोटी मोटी रकम लेकर। आखिर कैसे चला जा आरोपी पुलिस के हत्थे, रिपोर्ट देखिए। रायपुर पुलिस ने ऐसे अपराध का पर्दाफाश किया, इसे सुनकर शहर के लोग सख्ती में आ गए। पुलिस के मुताबिक रायपुर में एक ऐसा फर्जी गिरोह सक्रिय था, जो बाकायदा शैक्षणिक संस्थान चला रहा था, लेकिन उसमें पढ़ाई नाम के लिए भी नहीं हो रही थी। उल्टा पढ़ाई के नाम पर अच्छी खासी रकम वसूल करके डॉक्टर और पैरामेडिकल कोर्स की डिग्री बांटी जा रही थी। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इंडियन अल्टरनेटिव मेडिकल संस्थान नाम की कोई भी संस्था किसी भी विद्यालय से संबंधित नहीं है, फिर भी आरोपी बेखौफ होकर डिग्री बांटकर लोगों को ठग रहा था। एक सिविल लाइन थाना में 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें एक खास बात यह थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम शैलेंद्र गौलरे है, जो कि अमलेश्वर का रहने वाला है, और उसके द्वारा फर्जी एमबीबीएस, बीएमएस और डीएमएस की डिग्रीज के द्वारा दी जा रही थी पैसा लेके। इसकी सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गई है, और इसमें प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया था कि इसके द्वारा कुछ सालों पहले तक पंडरी में अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस के नाम से इनके द्वारा इंस्टीट्यूट संचालित किया जा रहा था, और उसमें उसमें मेडिकल से संबंधित शिक्षा दी जा रही थी, जिसमें कि वो अपना रोजगार व्यवसाय कर सके, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा रही थी। और सिविल लाइन थाना इलाके में ये फर्जी डिग्री बांटने का गोरख धंधा चलाने वाले मुख्य आरोपी का नाम शैलेंद्र गवालरे है। आरोपी का नाम शैलेंद्र गवालरे है, शैलेंद्र दुर्ग का रहने वाला है और दुर्ग से ही पकड़ा गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने साल 2013 में पंडरी में इंडियन अल्टरनेटिव मेडिकल नाम से एक संस्थान खोला था, लेकिन शुरुआत से ही शैलेंद्र के दिमाग में गैर कानूनी तरीके से डिग्रियां बांटकर जल्दी पैसा बनाने का प्लान चल रहा था। इसे अंजाम देने के लिए उसने दूर दराज इलाके के भोले भाले छात्रों को अपने चंगुल में फंसाना चालू किया,
और मोटी रकम लेकर मेडिकल की बड़ी बड़ी जुगरियां बांटने का गोरख धंधा शुरू कर दिया। सभी एक प्रकार से मतलब पैसा लेके उनके द्वारा फर्जी डिग्री दी जा रही थी। इसकी जानकारी एक मंडला के व्यक्ति को मिलने पे उसके साथी थे कवर्धा के, उनसे संपर्क माने के बाद शैलेंद्र बोले से इनका बातचीत हुआ। इनके द्वारा डीएमएस की डिग्री के संबंध में बात हुई और इसके द्वारा तकरीबन 45,000 में डिग्री देने की बात पक्की हुई। और जब इसके द्वारा डिग्री दिया गया तो उसको लगा कि शायद डिग्री मतलब ऐसी है। आरोपी शैलेंद्र गाबरे ने इंडियन अल्टरनेटिव मेडिकल नाम से खोले नए संस्थान में बीएएमएस, बीफार्मा और पैरामेडिकल के तमाम कोर्सेज की डिग्रियां तो बांटी हैं। इसके हौसले इतने बुलंद थे कि किसी किसी छात्र से तो लाखों रुपए की मोटी रकम वसूल कर एमबीबीएस की डिग्री तक दे दी, लेकिन इसका जालसाजी का यह धंधा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और आखिरकार सिविल लाइन थाने में ठगी का शिकार एक पीड़ित पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने बिना देर के आरोपी को धर दबोचा। किया गया तो बात सामने आई कि डिग्री फर्जी है और उसने फिर पुलिस को संपर्क किया और पुलिस ने इसकी सघनता से जांच की। जांच पे बात सही पाया गया कि इसकी जो भी इसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया टोटल फर्जी है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इससे प्रारंभिक पूछताछ की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना आरोप स्वीकार किया है और भी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल इनके कब्जे से कुछ फर्जी सर्टिफिकेट और 11 नग मोबाइल और तकरीबन 42,000 रुपये नगद बरामद हुआ है और इसकी हम और भी पूछताछ कर रहे हैं और इसकी जानकारी हम जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पर भी हम देंगे ताकि इनके द्वारा और भी इस टाइप की कोई भी फ्रॉड किया होगा तो उसकी जानकारी हम तक आ सके और हम आगे इसमें और भी कार्रवाई कर पाएं। फिलहाल इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे भी हम लोग प्रॉपर बल्क में कराता था कि कुछ मात्रा में कराता था, हम इसकी जानकारी लें। आजकल क्या है कि एक सिंपल सा सीपीओ और प्रिंटर मशीन होने से भी प्रमाण पत्र निकाला जा सकता है। इस संबंध में भी हम लोग उसे पूछताछ करेंगे और अगर इसमें और भी अगर कोई लोग इन्वॉल्व होगा तो निश्चित उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को अभी तक सिर्फ एक ही फरियादी मिला है जिसने शैलेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी करके फर्जी डिग्री थमाने की एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि अभी जांच शुरू हुई है, ऐसे में टीम को आशंका है कि आरोपी के खिलाफ कई और शिकायतें भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि बीते 6 साल में इसने अब तक सैकड़ों छात्रों को अपना शिकार बनाया होगा। इस संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ भी की ताकि जल्द ही बड़ा खुलासा किया जा सके। हवालात के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर एसटीएफ।